حق الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانتب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں سید قاسم اعجاز نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانے کی عقیدت پیش کریں. بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وگا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا, تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا, تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا, کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا, مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ, ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا, گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے, کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے. نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے, تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے, آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے.
पहले मैं मरूं आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रिजा मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रिजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रिजा मांग रहा हूँ। सलावात। बार दीगर बुलंदर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार फिर हम ज़बानों को मुअत्तर करें दुरूद मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, मैं एक दफ़ा आपको आज शबे आशूर का और कल रोज़े आशूर का स्केड्यूल बता रहा हूँ। मैसेज वैसे भेजा जा चुका है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको मैसेज नहीं मिला तो आप रिसेप्शन पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा के वहाँ से आपको फिर वो मैसेज भेज दिया जाएगा। तो अभी शबे आशूर के हवाले से, अभी बादस मजलिस जो है नॉर्मल जिस तरह नुहा खानी और मातमदारी होती है वो होगी, और उसके बाद 12:15 बजे 11:45 जो शबे आशूर के मुख्तसर से अमाल हैं वो करवाए जाएंगे, और फिर रात 12:30 बजे मिड नाइट के बाद शबेदारी की मजलिस का यहाँ पे एहतमाम किया गया है मुहिब्बान यूथ मेहदी फाउंडेशन की तरफ से, जिससे शेख शब्बर मेहदी जो है वो इंग्लिश में मसाइब पढ़ेंगे, और उससे पहले ओके मिड नाइट 12:30 द मजलिस विल बी इन इंग्लिश, द मसाइब विल बी रिसाइटेड बाय शेख शब्बर मेहदी इन इंग्लिश, and before the masaib there will be salam and marsiya in urdu by sayyid khamis rizvi sayyid shujaat takvi, and there will be noha khani in farsi arabic and english as well. We will have brother ammar nasheed sayyid ali halakim and haider yun as well, so make sure you attend the majlis, it's for both men and women. 12:30 raat ko 12:30 baje, और उसके बाद इमसाक का जो टाइम है वो 3:37 3:37 AM है जिन्होंने फाका शिकनी का जो इरादा रखते हैं, और 3:50 पे 10:04 नमाज फजर की जमात करवाई जाएगी, और उसके बाद जो रोज़े आशूर का की टाइमिंग्स हैं वो 10:00 बजे रोज़े आशूर के आमाल, और दोपहर 1:15 बजे 1:15 नमाज जहरैन, जिसके फ़ौरन बाद मजलिस आशूर जो होती है वो उसका आगाज़ किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला 4:15 बजे 4:15 फाका शिकनी का टाइम है तो उसके लिए एहतमाम किया गया है, और फिर रात को 9:15 बजे 9:15 नमाज मगरिबैन की जमात होगी, जिसके फौरन बाद शाम गरीबा की मजलिस का आगाज़ किया जाएगा, रोज़े आशूर की मजलिस और शाम गरीबा की मजलिस से किबला मौलाना मौज़म कुमी साहब जो वो खिताब फरमाएंगे। बावज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। और मजलिस के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मुल्तमिस हूँ सैयद यासर रिज़वी भाई से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह सैयदा में नजराना की दरपेश करें। बावाज़ बुलंद सलावात। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। एक सलाम के चंद अशआर फिर मैं एक नोहा बताऊंगा, क़िबला आपकी नज़र एक हुसैन शाह भी हैं और बादशाह दीन भी हैं और दीपना भी हैं, न कि यजीद की बाय कटा दिया
न कि यज़ीद की बायत कटा दिया सर को इसी बिना पतो बुनिया दिला एला हभी हैं हुसैन शाह सलावत हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर रे अरमान था पहनाऊंगी पो शाक शाहानी अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी कैसा था मुकद्दर हाय हाय अली अकबर रे 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गे सुमो वाला ही मेरा खून में नहाया ये क्या हुआ दिलबर हाय हाय अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक सेहर की सुगरा को दिखा लूं बेचैन थी ख्वाहर हाय हाय अली अकबर पहले तो वे कावाज पे उठ जाते थे बेटा अब इतनी सदाओं पर भी पहलू नहीं बदला क्या हो गया दिलबर हाय हाय अली अकबर तुम हिचकियाँ ले ले के जो दम तोड़ रहे हो मुँह माँ से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिलबर हाय हाय अली अकबर आए जो हमें लूटने खैमे में सितम गर माँ देगी सदाए अली अकबर अली अकबर छिल जाएगी चादर हाय हाय अली अकबर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए करबो बला जाती है महशर दिल रोता है कह कर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर हाय हाय अली अकबर
हाय हाय अली अकबर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बार दीगर बुलंदतर सलावात। एक बार फिर जबान को मुअत्तर करें दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद से। बार दीगर बुलंदतर सलावात। मरसिए के कुछ बंद हैं लेकिन उससे पहले एक आपको बताता चलूं कि मुझे भी इन्फॉर्म किया गया है कि जो रोज़े आशूर के अमाल हैं उनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज की गई है, 10 के बजाय 9:30 बजे वो करवाए जाएंगे सुबह, ताकि जो लोग ब्रैडफोर्ड जुलूस में जाना चाहते हैं वो यहाँ से अमाल करके जुलूस में भी शिरकत कर सकते हैं, तो वो 9:30 करवाए जाएंगे। बावद बुलंद सलावात पढ़िएगा। रोने वालों है ये रिवायात में लिखा, रोने वालों है ये रिवायात में लिखा, जिस दम कयाम कूफे में मुख्तार ने किया, जो भी थे कातिलाने शहीदाने करबला, उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था, हुक्मे अमीर पर वो सितम जब सुनाता था, मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। एक रोज था ये कूफे के दरबार का समा, इब्ने नुमैर अपने सितम करता था बयां, तोड़ी थी मैंने सीनाए अकबर में खुद सिना, उठता था शोर खैमों से मारा गया जवां, अरे माँ जीते जी गुजर गई जैनब भी मर गई, माँ जीते जी गुजर गई जैनब भी मर गई, एक बरछी मेरी कितने जिगर पार कर गई, और एक रोज करके लाया गया हर मला असीर, बोला वो रन में मैंने चलाए थे 3 तीर, अरे उस वक्त पहला तीर चलाया था ए अमीर, भर कर चला जो मश्क तो मजलूम का सफीर, अरे मशकीजे से जो तीर मेरा पार हो गया, ऐसा लगा के कत्ल आलमदार हो गया, और बोला लई ये कर्ब का है दूसरा मकाम, अरे लाए जो अपनी गोद में बेशीर को इमाम, सूखी जबा फिराता था होठों पे तिश्ना काम, यूं कतरा इब्ने जहरा का मैंने किया कलाम, हिल हिल गया लहद में जिगर बू तुराब का, अरे मक्तल में नहर हो गया बच्चा रबाब का, मक्तल में नहर हो गया बच्चा रबाब का, और दरबार में ये सुन के कयामत का था समा, पीरो जवान रोते थे ले ले के हिचकियां, और बोला ये हुरमला अभी बाकी है दास्ता, अरे जिस दम तेरा हुसैन था तीरों के दरमिया, वो तीर आखरी था जो मैंने चलाया था, अरे वो तीर आखरी था जो मैंने चलाया था, उस तीर ने हुसैन को जी से गिराया था, उस तीर ने हुसैन को जी से गिराया था, और फिर शोर वहां हुसैन का उठता था बार बार, जब कैद करके लाया गया शिमरे बदशियार, बोला वो मेरे हाथ में खंजर था तेज धार, जिससे किए हुसैन की गर्दन पे तेरा वार, खंजर रवा था हल्क पे इब्ने बतूल के, खंजर रवा था हल्क पे इब्ने बतूल के, और दिल कट रहे थे साथ में आले रसूल के, और अब इसके बाद मीर तकल्लुम बया हो क्या, ए पुरसादारो सोचना दिल में कभी जरा,
अरे क्यों इतना वक्त कातिले शब्बीर को लगा, किस वास्ते हुसैन का कटता न था गला, महशर में ये खुलेगा सितम कायनात पर, महशर में ये खुलेगा सितम कायनात पर, खंजर के कुछ निशान है जहरा के हाथ पर, खंजर के कुछ निशान है जहरा के हाथ पर। अब इसके बाद मीर तकल्लुम बयां हो क्या, ए पुरसादारो सोचना दिल में कभी जरा, क्यों इतना वक्त कातिले शब्बीर को लगा, किस वास्ते हुसैन का कटता न था गला, महशर में ये खुलेगा सितम कायनात पर, खंजर के कुछ निशान है जहरा के हाथ पर। और मैं मुल्तमिस हूँ हुज्जत सलाम अल मुस्लिमीन मौलाना मौज़म अली कोमी साहब से कि वो तशरीफ लाए और फजाइल मसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावात। बात शुरू करने से पहले मैं माज़रत चाहता हूँ कल के उस जुमले पर के अजीज़ान जो हैं वो मेरे मौला के आज़ादार, मेरे अपने बच्चे, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़ाहिर इंसान है तो मैंने कहा कि वहीं बैठ जाओ, और इस किस्म का अगर उनको ये ग्रां गुजरा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। वैसे बहरहाल मजलिस का के माहौल का तकाज़ा यही होता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन बावजूद उसके अगर किसी को ग्रां गुजरा है तो मैं तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल किसी ने, हो सकता है बाद में देखने सुनने वालों को शायद वो जुमला आ जाए, पर मैं भी आखिर इंसान होने के हवाले से फीलिंग तो रखता हूँ। मिल के सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات کی آواز ہے بات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آج نیاز کا اہتمام کیا گیا جناب احسن علی صاحب کی طرف سے اور فاتحہ کی ریکویسٹ کی گئی ہے سید محمد احمد نقوی
रमीज राजा, राजा हसन खान, फिरदौस शाह, इनके लिए आप फातिहा पढ़ेंगे, हदिया फरमाएंगे इंशाअल्लाह, अपने मरहूमीन को भी याद करके। और एक दुआ है, इल्तिमास है कि एक मरीज़ा हैं खुदा बंदे ज़ुलजलाल, उनको बहक़ हाज़ल अशहीद अलआज़म सैयद शहदा इमाम हुसैन और उनके असहाब और उनकी औलाद के, ये भी लिखा है कोई उनकी औलाद से ही हैं, सैयदा सैयद गज़नफ़र शाह मेल हैं, सैयद गज़नफ़र शाह नकवी बुखारी, खुदा बंदे ज़ुलजलाल इनको बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद शिफा कामिल और सेहत आजल इनायत फरमाए। और मिल के एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। صلی علی محمد و آل محمد صلوات اگر بات شروع کرنے سے پہلے ہی اگر ایسا ہو جائے کہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو، آگے جگہ ہے، اگر تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ وہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں تو ایک تو ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے ادھر سے رستہ چھوڑا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ آئیں جائیں، ویسے آپ رستہ بلاک کر دیں تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ ہو جائے گا ہوگا کہ ہمیں پھلانگنا نہیں ہے، تو جن کی مرضی ہے وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آگے آ سکتے ہیں اور مل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میرے محترم و معزز و مکرم و معظم سامعین محترم، سادات و غیر سادات و اہل علم، محرم الحرام 1443 ہجری کی آج شب عاشور ہے، مسلسل اول ماہ سے پورے عالم میں اور خاص طور پر ہم مل جل کر اپنے آقا و مولا سید و شہداء کو نذران عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق، چھوٹا سا طالب علم اور چھوٹا سا ذاکر ہونے کے حوالے سے جتنا پاسیبل ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں دعا ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں تہ دل سے، ابا عبداللہ الحسین آپ بھی اس کو قبول فرمائیے اور خدا بند ذوالجلال بھی اسے بطریق احسن قبول فرمائے، خدا آپ کو اجر دے اور اس کا ریوارڈ عطا فرمائے کہ جو اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے پرسنل کام چھوڑ کر جناب سیدہ دو عالم کے دل کی تسلی دینے کے لیے آپ ان کے بیٹے کی صف ماتم پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یقین مانیے کہ یہ فرش عزا جو ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے وزیر فخر و مباحات سمجھتے ہیں یہاں بیٹھنا۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے، چونکہ وہ ملٹری والے تھے تو اس وقت وہ ادھر تھے دوسری سائڈ پہ، لیکن کہتے تھے ہم بائی آرڈر تھا، اس وقت جنرل یحییٰ خان تھے چیف آف آرمی سٹاف، تو کریکٹر جیسا بھی تھا مجھے اس سے کیا لینا دینا، حسین جانے اور وہ جانے، لیکن جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو باوجود اس کے کہ وہ جنرل تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ کالے کپڑے پہن لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آفیسرز کو بھی کہ انشاءاللہ شام کو مجلس میں ملیں گے، یعنی یہ ان کا پیغام ہوتا تھا، جو نہیں آیا پھر دیکھا جائے گا، اور بڑے بڑے آفیسر جو ہے وہ گردنیں اٹھا اٹھا کے دکھاتے تھے کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر
ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی وزیر یا صدر یا بڑی شخصیت آتی ہے تو وہ صوفوں پہ اور تختوں پہ بٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروٹوکول اور ریڈ کارپیٹس، لیکن جیسی حسین کی فرش عزا پہ بیٹھنا یہ ریڈ کارپیٹ ہے، ایسا کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو روایت ہدیہ کر دوں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے، آپ چلے جاتے ہو نا، عزادار اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں، زیارت مجلس جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جہاں عزادار مظلوم کربلا بیٹھ کے عزاداری کرتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو ان سے باقی ملائکہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو جو آ رہی ہے آپ کے بدن سے عجیب و غریب، یہ کہاں سے جنت سے ہو کے آئے ہو؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے نہیں، حسین کی مجلس ابھی ابھی فلان جگہ ختم ہوئی ہے، ہم وہاں سے عزاداروں کے بیٹھنے کی جگہ اور ان کے پاؤں جہاں لگے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو مس کر کے آئے ہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ تو اس مجلس پر، اس وہاں یہاں بیٹھنا، اس کی قدر و قیمت تو انشاءاللہ ابھی وہ عزیز پڑھ رہے تھے، قیامت کو پتہ چلے گا، وہاں راز کھلیں گے۔ تو پہلی شب سے خصائص الحسینیہ کے عنوان سے تھوڑا سا سٹائل چینج کر کے، پچھلے سال سے ڈفرنٹ کر کے، عقائد امامیہ اثنا عشریہ خیر البریہ، اس کے حوالے سے کہ ہم عقائد کو کیا سمجھتے ہیں اور شیعہ نقطہ نگاہ عقائد کے حوالے سے کیا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے شیعہ کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔ آج میرے خیال میں ویسے مکمل تو یہ کبھی بھی ٹاپک نہیں ہوا کرتے، اور خاص طور پر جب ہم چھوٹے سے طالب علموں کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات تشنہ بیان ہی رہ جاتی ہے۔ تو آج کی حد تک انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا سمیٹ کے کچھ کسی نقطے پہ پہنچایا جائے، تاکہ صرف کل جو ہے وہ پھر شہادت کی مجلس ہو اور اس کے بعد پھر شام غریباں۔ عزیزان، پہلے دن اور دوسرے دن کہا گیا کہ حسین توحید کی پہچان ہے، پھر سٹیٹمنٹ چینج کی گئی کہ حسین نبوت اور رسالت کا زیب و زین اور امامت کی شان ہے، اور پھر اور چینج کیا گیا کہ نہیں، صرف اور صرف وہ نہیں بلکہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام فروع دین کی بھی جان ہے، شان ہے، زیب و زین ہے، اور ان فروعات دین میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ نماز۔ وہ نماز جس کے لیے حسین جیسا قیمتی سر کٹ گیا، حسین حسین کرنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نہ پڑھے یا اس کا مذاق اڑائے، ہو نہیں سکتا۔ آج ایک نفسیاتی بات اور ایک عقلی بات آپ کو ہدیہ کروں گا کہ سورہ مدثر میں ارشاد ہوا کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کون سی چیز لے کے آئی۔ تو ویسے جہنمیوں کی بہت ساری علامات ہیں، کم از کم چار پانچ تو ہیں ہی ہیں، ان میں سے پہلی کا وہ جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ہوگا ان کا جواب۔ اب سوال ہے آپ سے کہ اکثر اوقات سوال کیا جاتا ہے، شاید آپ کے سے یہ سامنے نہ آیا ہو لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس پہ ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ سوال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم جائے گا؟ اس کو مذاق بنانے میں خاص طور پر یہاں آ کر بہت سارے لوگوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور نماز کے استخفاف اور اس کو ہلکا جلوگر کرنے کے لیے کہا گیا ابھی جی ہور نے کوئی نمازیں پڑھی تھی،
भैया मैं आपको अर्ज कर दूं, हुर जैसा नमाजी कोई और है ही नहीं, इसलिए कि मेरा सलाम हो हुर आपकी नमाज पर, कि दुश्मन के लश्कर में भी रहते हुए जब भी नमाज पढ़ी है मासूम इमाम के पीछे पढ़ी है। अच्छा, हुर ने कोई नमाज पढ़ी है, अब बेनमाजों वाले बहाने हुर पे क्यों लेके जा रहे हो? पूरी कायनात में आपको बताऊं, आपकी तो हुदूद अरबा ही क्या है जो यहां आके बक बक करने के लिए तैयार हो जाता है, और पूरी कायनात में सिर्फ एक है और होर पैदा ही नहीं हुआ, और बातें करते हो के जी होर ने कोई नमाजें पढ़ी थी, होर जैसा नमाजी बन के तो दिखा। तो जो बात है कि नमाज जो नहीं पढ़ता क्या जहन्नम में जाएगा, फिक्र एतबार से सवाल, तो आपको क्या लगता है कि जवाब क्या होना चाहिए जी? थोड़ा बोलेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, यकीन मानिए जी, जहन्नम में जाएगा। तो फिर अपने आप से हम पूछें कि हम जो नहीं पढ़ते जानबूझकर वो जो छुड़वा लेंगे, क्यों कैसे छुड़वा लेंगे? मैं ये अभी बताने वाला हूं कैसे छुड़वाएंगे या नहीं। हाँ, तो फिक्र एतबार से जवाब तो यही बनता है कि जी जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि फिक्र तो बाद में है, कुरान ने कह दिया है कि लम नको मिनल मुसल्लीन, जो नमाज नहीं पढ़ते थे बस हमें यहां पहुंचा दिया गया। अब एक सवाल तो बनता है कि बाकी सारे काम अच्छे करता है बंदा, बड़े रोजे रखता है, बड़ी जकातें देता है, बड़े खर्चे करता है, मजलिसें करवाता है, अस्पताल बनवाता है, स्कूल बनवाता है, बड़े बड़े जनाब नेक काम करता है, हैं जी, तो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी जाएगा, इनका क्या? ये बाकी, ये क्या अदालत इलाही के खिलाफ नहीं है? अगर वो आदिल है तो इसका क्या भाई? ये जो इतने वो बोरे भर के ले जाएगा, तो आपको बताऊं कि इसका जवाब भी मौजूद है, हदीस है और आयत भी है, मन जा आ बिल हसनते फलहू अशरो अम्थालिहा, जो एक नेकी लाएगा हम उसे 10 बराबर देंगे, ये पक्की बात है। लेकिन जो हमने और आपने समझा है ना, प्रॉब्लम वहां हो गया है, उसकी मैं मिसाल दे दूं। अब आप तो जानते हैं कि मैं गरीब जो है वो मिसाल दे के ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें कि कोई बैंक जो है आपसे कहता है कि जो बंदा 1 मिलियन रुपए या पाउंड या डॉलर या कोई भी करेंसी लगा लीजिए, वो बैंक में लाएगा तो उसे उसके 5 बराबर कर्जा दे सकते हैं हम, ये ऐलान हुआ। और एक बंदा जो है वो उसने 1 मिलियन नहीं बल्कि 5 मिलियन रख लिए और रेड़ी पे या गाड़ी पे लाद के जा रहा है, और रास्ते में जैसे वो खबरें आती हैं गन पॉइंट पे या वैसे ही ले गए कोई, और वो भाई साहब चला जाए बैंक में, जनाब मेरे पास इतने पैसे थे और वो तो ले गए हैं, पर क्या है कि इतने तो थे मुझे, आप कर्जा दो। अब आप ही मुझे बताइए वो आपको क्या जवाब देंगे, बैंक वाले क्या कहेंगे, देंगे कि नहीं? हाँ जी, अकली सी बात है, जवाब यही बनता है कि भाई हमने जो ऐलान किया था, जो यहां लाएगा, जो हमारे बैंक में खाता खुलवा के यहां जमा करवाएगा उसको मिल सकता है, ये नहीं कि उसके पास क्या था। अब ये जो इतने आमाल कर रहे हो वो वहां तक पहुंचेंगे तो उसका भी जजा तो मिलेगी, पर पहुंचेगी कैसे?
وہ بتانا مقصود ہے. اب دوسری مثال دے دوں کہ فرض کریں بہت سارے اسی چیز کو میں بدل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس موتی ہیں بہت سارے قیمتی موتی, تو وہ آپ نے ابھی ایسے ہی ہاتھوں پہ رکھے ہوئے ہیں یا پھر کسی برتن میں رکھے ہوئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں بڑے قیمتی, پر تھوڑی سی کسی نے ٹھوکر لگائی اور وہ سارے بکھر گئے. اب آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, یا آپ کو وہ ملیں گے نہیں یا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. تو اب جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے تو اس کا کوئی کیا فائدہ, بھائی وہ کدھر گئے ہیں. ان موتیوں کا نام ہی ہے نیکیاں. یہ جو روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, باقی اعمال ہیں, یہ نیکیاں ہیں. یا پھر تیسری مثال بدل دوں کہ آپ کے پاس بہت سارے کنٹینرز ہیں اچھے گوڈز کے بھرے ہوئے اور آپ کو دریا پار کر کے جانا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ بہت بڑی کشتی ہے, وہ آپ کی نیکیوں سے کنٹینر بھرے ہوئے ہیں جو ہے وہ لاد کر ٹنوں کے حساب سے آپ لے کے جا سکتے ہیں, پر اگر کشتی ہی نہ ہو تو آپ کتنے کلو اور کتنے من اپنے اوپر اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ آپ کے وارے کی بات نہیں ہے, پر بات میں کر کے جاؤں گا. اس لیے کہ نماز وہ کشتی ہے, نماز وہ تسبیح کا دھاگا ہے جو ان موتیوں کو جوڑ کے سنبھال کے رکھتی ہے, نماز وہ بینک کا کھاتا ہے جس میں آپ ڈپازٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ ہی نہ ہو تو دھاگا ہی نہیں ہے جو اس کو جوڑ کے رکھے گا. اب دھاگے کا کیا ہے کہ ایک انگلی سے وہ سارے کے سارے موتی اٹھا کے آپ لے کے جا سکتے ہیں, اور وہ کنٹینر جو ہے اس پہ آپ کتنے کنٹینر, جو کشتی ہے اس پہ ہزاروں کنٹینر بھی لاد کے لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہو تو پھر ایک دو تین کلو ہی لے کے جائیں گے نا. تو اسی وجہ سے آپ کے اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا, ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت ردہ ما سواہا. سب سے پہلا نماز سوال کا ہوگا, سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا کہ بتائیے آپ کی نماز. تو بندے کہیں گے سرکار ہمارے پاس روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, وہ مجلس ہیں, سارا کچھ. اللہ کی آواز آئے گی نماز کتھے؟ تو عزیزان محترم حسینی, ہم نے پہلے رات یہ وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے, آپ کو یاد ہے کہ عاشور کے بعد ہم میں تبدیلی نظر آنی چاہیے, حسینی رنگ نظر آنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رنگ نہ آئے, تبدیلی نہ آئے, تو پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی رہیں, تو پھر اسیس تو کرنا پڑے گا نا کہ بھائی ہمیں پھر کیا فائدہ ہے یہاں آنے کا اور نہ آنے کا. جو آئے ہیں وہ بھی ایسے ہیں اور جو نہیں آئے وہ بھی ایسے. جو نہیں آئے کم از کم اپنا کام تو کرتے رہے ہیں نا. ہم نے تو اپنا کام بھی نہیں کیا اور وقت بھی ضائع کر دیا. حسینی یونیورسٹی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, اگر انسان سکول میں یا کالج میں ایک سال میں جاتا ہے اور ایک سال کے بعد اگر پروموٹ نہیں ہو, اس میں تبدیلی نہ آئے, تو وہ کہتا ہے اسے میں اس کالج کو سکول کو چھوڑ دوں گا اس لیے کہ اس میں مجھے کچھ ملا نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں ایج اور ملت اور رنگ و نسل و زبان کی تو کوئی قید و بند نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے نتیجہ ضرور ملتا ہے, اور چینج وہ بھی اپنے اپنے حصے کے مطابق. اور یہ وہ یونیورسٹی ہے, کہیں دنیا میں اگر 5 سال کا بچہ اور 80 سال کا بوڑھا اکٹھے ایک کلاس میں نہیں بیٹھتے, لیکن یہ وہ حسین کی یونیورسٹی ہے. 5 سال کا بچہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہے, 80 سال کا بزرگ بھی ساتھ میں بیٹھا ہے, اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم برابر تقسیم ہو رہا ہے.
चलें, मैंने अपना हुसैन सरकार गवाह रहना, मैंने जितना पॉसिबल था अपनी ड्यूटी अदा करने में कोशिश की है, अदा हुई है या नहीं ये तो वो जाने। और इंशाअल्लाह अल अजीज मेरे मोहतरम सामईन जो हैं इन्होंने सुना भी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हजम भी कर चुके होंगे और इस पर अमल फरमाएंगे। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये नहीं और भी बहुत कुछ दिया है। और कितना दिया है, आपका सवाल भी गलत और मेरा जवाब भी गलत, इसलिए कि ये तायुन वो करे कितना और कमियत और कैफियत का कि जो जानता हो, लेकिन ये तो वो जानता है जो देने वाला है या वो जानता है जो लेने वाला है। और देने वाले में और लेने वाले में सिनखियत अगर नहीं हो तो फिर देखा जाता है कि उसकी कितनी पावर है। देने वाले की वो 1000 दे सकता है, 10,000 दे सकता है या उससे ज्यादा कम, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेने वाला उसकी जरूरत कितनी है और वो इसको खर्च कहां करेगा, उसको भी देखा जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत है एक पार्टी और हुसैन इब्ने अली है दूसरी पार्टी। अल्लाह है देने वाला, हुसैन है लेने वाला। ज़र्फ इधर बहुत वसी, उधर कोई कमी नहीं है। वो अला कुल शैइन कदीर है और वो ज़र्फ देख के देता है। अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालता, अल्लाह जानता है कि वो कहां अपनी अमानत रखे जो महफूज रहेगी। और उस अमानत को 1,24,000 अंबिया में तकसीम करते करते उसके खजाने में कोई फर्क न पड़ा और आखिर में औसिया अइम्मा में भी तकसीम किया, कोई फर्क न पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इधर तो हर शय मौजूद है, अभी कोई लेने वाला है कि नहीं। हुसैन इब्ने अली ने दामन खोल के फैला के फरमा दिया, हूं तो मैं तेरा बंदा लेकिन ऐसा बंदा हूं जिस जैसा कोई और बंदा नहीं है। तू देता जा और मैं लेता जाऊंगा और मैं लेकर तेरी रजा के अलावा कहीं और खर्च भी करने वाला नहीं हूं। जहां भी रजाए इलाही, मेरी इब्तिदा भी रजा, मेरी जवानी भी रजाए इलाही, मेरा सजदा भी रजाए इलाही, मेरी मौत और हयात भी रजाए इलाही। अगर मेरे बाबा ने जाते हुए कहा था फुज्तु व रब्बिल काबा, मैं हुसैन इब्ने अली चेंज करके बता दूंगा रिजन बे कजा एक व तस्लीमन ले अमरिक व सबरन अला बला एक मालिक, मैं तेरी रजा पे राजी हूं। जब ये अल्फाज आएंगे तो तू खुद फरमाएगा, मुझ पर राजी होकर खुद फरमाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जई इला रब्बिके राजियतन मर्ज़िया। हुसैन मैं तो राजी हूं, मेरा जी चाहता है कि तू भी मुझसे राजी हो जाए। दुनिया लोगों की दुआओं से रज़ी अल्लाह बनने की कोशिश में है, कोई गारंटी नहीं है कि वो राजी हो भी जाए। अगर वो राजी हो जाता होता, राजी हो गया होता, तो फिर ये दुआएं रज़ी अल्लाह बंद हो जानी चाहिए थी। ये रज़ी अल्लाह की रट बताती है कि अभी तक अल्लाह राजी हुआ नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है। इसीलिए तो हम भी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, खुदा राजी हो जाए
अभी हुआ नहीं है, हर बात का मफहूम होता है, लेकिन जहां रिजा हासिल हो जाए वहां रजी अल्लाह नहीं होते, अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन जाते। इसलिए कभी आपने कहा जिब्रील रजी अल्लाह अन्हु ने यह कहा, हजरत आदम रजी अल्लाह, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह, हजरत नूह रजी अल्लाह, आप अपने पैगंबर को भी कह दें या रजी अल्लाह, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि अगर अल्लाह की रजा गारंटीड हो जाए तो अलैह सलाम होता है, इसलिए कि अल्लाह ने सलाम भेजा है सारे अंबिया पर, तो सारे अंबिया में से कोई भी शाजी रजी अल्लाह नहीं है, और जो सारे अंबिया का वारिस हो वो सबसे बड़ा अलैह सलातो व सलाम है। अगर वो अलैह सलातो व सलाम नहीं तो कोई भी, मुझे आज एक पोस्टर पे निगाह पड़ी तो मुझे पूरा तो याद नहीं होगा, लेकिन वो शेर की सूरत में शायर कह रहा है कि अगर जन्नत का हुसैन के इला हुसैन रास्ता नहीं है, जन्नत में जाने का अगर हुसैन रास्ता नहीं है तो खुदा की कसम जन्नत का और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं उसे क्या कहूं, सच्ची बात कही है ना कि जन्नत का रास्ता भी हुसैन और जन्नत में बसने वालों का सरदार भी हुसैन, जन्नत में जमींदारों को मामला लेने वाला नंबरदार भी हुसैन, इसलिए कि सरदारी वहां भी हुसैन की है और यहां भी हुसैन की है। हुसैन को अल्लाह की जात ने बहुत कुछ दिया, नाना वो दिया जिस जैसा कायनात में और कोई बनाया ही नहीं, इसलिए कि उसे इतनी अहमियत दे दी, खलकतुल अशिया अकुल्लहा लक, मेरे हबीब मैंने सारी कायनात हर शह तेरे लिए बनाई है और किसी को नहीं कहा। एक ना साथ में बताता हूं हबीब, खलकतो कल नफसी, तुझे अपनी जात के लिए बना दिया। बाबा ऐसा दिया कि पूरे कायनात में और कोई मुनासिब जगह उसके इल्म अजली में आई नहीं सिवाय अपने घर के, इसको इधर ही भेजूं। मुझे समझ ना आई सादात और गैर सादात के ये जो मुल्ला वहां पांच वक्त नमाज पढ़ा रहा है जी, पता नहीं भन्नी त्रुटी जैसे भी, उसकी अबा और कपड़े भी चूमते लोग नजर आते हैं, उसका काम और कोई नहीं है वहां, उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वुजू बाहर से करके आता है, वो पलीत भी हो जाता है, तो वुजू बाहर से करके आता है और नमाज सिर्फ पढ़ा के चला जाता है, इतना मुतबर्रक हो जाता है कि उसे चूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या है इस अंधे मुल्ला का, मैं क्या करूं जो काबा के एन सेंटर में पैदा हो जाए उस जगह को चूमने को ये बिदअत समझता है। तो अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने हुसैन को बाबा ऐसा दिया जिस जैसा कायनात में कोई बाबा नहीं है, अल्लाह ने हुसैन को अम्मा ऐसी अता की कि हव्वा हो, आसिया हो, मरियम हो, कुलसूम हो, हूरे हो, गिलमान हो, कायनात में कोई ऐसी मस्तूर नहीं है जो इस सैयद आलम के
برابری تک پہنچے لے دے کے میرے پیغمبر نے اور آپ کے آقا اور رہبر نے ارشاد فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، ایک لے دے کے اس کے برابر اس سے بہتر تو کوئی نہیں، اس کے برابری کرنے والا اگر ہو سکتا ہے تو وہ علی ہے، اس کے علاوہ آدم و من دونہ، آدم سے لے کے آخری انسان تک میری بیٹی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے اماں حسین کی۔ حسین کو اللہ نے بھائی ایسے دیے کہ جن جیسا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی کی آنکھ کا تارہ ہو وہی ہے حسین ابن علی کا امام بھائی، اور وہ کتنی عظمت ہوگی اس کی کہ صرف بھائی نہیں ہے حسین جیسے عظیم انسان کا امام بھی ہے۔ جی امام حسن مجتبیٰ کو کم نہ سمجھو، وہ ہے جس کے قدموں میں حسین جیسا سر جھکتا ہو وہی حسن ہو سکتا ہے، اور حسن کے بارے میں علیحدہ کئی مجالس پڑھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا۔ حسن کیسا نام ہے کہ آل محمد کو اتنا پسند آیا کہ پھر پورے اہل بیت کے گھر میں وہ نام چینج نہیں آیا ہوا، وہی نام چلتا آتا ہے۔ حسن کہتے ہیں بڑے خوبصورت کو، حسین کہتے ہیں چھوٹے خوبصورت کو، مادہ وہی ہے، محسن بھی اسی روٹ سے ہے، اس لیے کہ آل محمد کو یہ نام اتنا پسند آیا، اور وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا حسین کا بھائی۔ اس کے علاوہ یہ باتیں تو بہرحال میں جذباتی ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، پر حسین کو اللہ رب العزت نے اس کے ماورا بہت کچھ عطا کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حسین سے افضل اس کی اماں اور بابا، اور ان دونوں سے بھی افضل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا، ہر شیعہ کا عقیدہ یہی ہے، لیکن فقہی حوالے سے پیغمبر کی قبر کی مٹی، علی شہنشاہ کی قبر کی مٹی، بطول عذرا کی قبر کی مٹی، امام مجتبیٰ کی قبر کی مٹی، کھانا جائز نہیں ہے، مٹی کھانا حرام ہے فقہی اعتبار سے، توجہ فرمائی آپ نے، حسین کو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ تجھ سے چار بزرگ افضل ہیں، پر حسین تو نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، اس لیے ہم بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو کسی کے لیے نہ کیا، کہ حسین کی قبر کی مٹی نہ صرف کھانا جائز ہے، اسے شفا قرار دے دیا۔ آپ کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہے، خاک شفا ہے، صرف خاک نہیں ہے، صرف خاک نہیں ہے، یہ حسین کا نام ساتھ جڑا یہ خاک شفا ہو گئی۔ حسین اور کسی کو ہم نے معلہ نہیں دیا، ہم آپ کو معلہ دینے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے حسین، یا معلہ ہمارا ہوگا یا تمہارا ہوگا، یا عرش ہے ہمارا جو معلہ ہے، یا تیری کربلا ہے جو معلہ ہوگی۔ ہم اپنے حبیب کو بھی معلہ نہیں دیا، میں نے ہم نے تیرے بابا کو اشرف مقام دے دیا، معلہ نہیں دیا، بقی کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، معلہ نہیں بنایا۔ حسین ہماری کچھ مخصوصات ہیں، ان خصائص میں سے ہم تمہارے ساتھ یہ جو بانٹ رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں، یا معلہ ہمارا رہے گا یا تمہارا رہے گا۔ کربلا کو کیا بولتے ہیں، کربلا معلہ، معلہ کو پتہ ہے کیا ہے، معلہ ایکچولی علو سے ہے، بلند،
तो एक होता है बुलंद, उसकी फिर डिग्रीज होती हैं, बुलंद बुलंदतर, उससे बुलंद, उससे बुलंद, उससे बुलंद, जिससे कुछ भी बुलंद न हो, टॉप हो जाए, उसे मुअल्ला बोलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को वो दिया जो आदम को न दिया, जो नूह को न दिया, जो इब्राहिम को ना अता किया, जो मूसा ईसा को न दिया, जो किसी नबी को न दिया, जो ना किसी वसी को दिया, हुसैन को वो दे दिया। और सिर्फ ये नहीं, हुसैन की कब्र की मिट्टी ये अपनी जगह पे, वो आपने शायद कभी कभी किताबें पढ़ने का आजकल रिवाज तो कोई नहीं रहा, पर सुना तो होगा किस्सा के जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है, उसमें एक हदीस लिखते हैं कि हदीस है, और वो कहते हैं वो हदीस भी सही है, इसलिए कि हदीस की 25 किस्में, तो उनमें से सही जो हो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो वो उस एंगल से वो फरमाते हैं कि हदीस ये है कि जब इमाम हसन और हुसैन इकट्ठे खड़े हो जाते थे ना, तो मुकम्मल तस्वीर पैगंबर नजर आते थे। और इस हदीस को और उसी कौल को वहां से लेकर इन्होंने ये जो आज हैं, क्या नाम है इनका, मौलाना डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी किताब में दर्ज फरमाया है। तो अब वो कहते हैं 50% हसन तस्वीर रसूल हैं और 50% हुसैन तस्वीर रसूल हैं। तो अब डिस्टिंक्शन तो न रही ना, अब हमने कहा खसाए से हुसैनिया, शुरू तो बस ये की थी, अब वो हदीस उन्होंने नकल की है, मैंने कोई तस्दीक तो नहीं की अभी, हो सकता है इससे आगे भी बंदा जा सकता हो, और जा सकता हो और न जाए तो ये कमजोरी है, या फिर रास्ता बंद हो, लेकिन मुझे रास्ता खुला नजर आया, और मैं चूंकि हौजे का तालिब इल्म, तो उस तालिब इल्म को इजाजत होती है नकद व जरह की, कि हम जो है वो एतराज ज्यादा करते हैं, बात कबूल कम करते हैं, इसीलिए जब तालिब इल्म मजलिस में भी बैठ जाए तो वो खतीब की कमजोरियां ही तलाश करता रहता है, ए इत्थे कित्थों थुड़के है। तो अजीजाने मोहतरम, वो हदीस के जो उन्होंने लिखी है कि इमाम हसन हुसैन मिला के मुकम्मल तस्वीर पैगंबर बनते थे, अब खसाए से हुसैनिया, वो उस हदीस को सामने लाया जाए, अगर हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, ये तो अगर हुसैन मुझसे है तो पूरा है, वो हदीस अगर थानवी साहब की ली जाए तो दूसरा जुमला जो है वो उससे साजगार नहीं बनता, कि ये तो फिर कहना चाहिए कि मैं आधा हुसैन से हूं, लेकिन पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं मैं पूरे का पूरा हुसैन से हूं, ये और किसी इन आले आबा के बारे में किसी के बारे में हदीस शरीफ इस अंदाज की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ, ये कहा है अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, फातिमतु मिन्नी हसनुन मिन्नी, लेकिन ये के हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, यानी मुकम्मल हुसैन मुझसे है और मैं मुकम्मल मोहम्मद हुसैन इब्ने अली से हूं। अगर बंदा गौर व फिक्र करे तो वो हदीस आड़े आ जाएगी कि जी वो तो फिर आधा तो इसका इमाम हसन रह गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इंतजाम किया है कि हुसैन को मैं जो दे रहा हूं वो और किसी का नहीं है। अगर मेरे हबीब ने कह दिया है कि हुसैन
मुझसे है और मैं मुकम्मल हुसैन से हूं तो मैं दुश्मन से भी मनवा के रहूंगा कि ये रसूल की शक्ल वाला इसके घर में देके के बता रहा हूं कि अगर हुसैन फिजिकली उससे है तो मोहम्मद की तस्वीर फिजिकली सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली के घर में आएगी। इमाम हसन को शबीह पैगंबर नहीं दिया, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम बड़ी अजमत के मालिक हैं, बड़ी मजलूम हैं, लेकिन पैगंबर की तस्वीर नहीं। और ये कैसी तस्वीर कि जिसके लिए इमाम हुज्जत खुदा भी गवाही दे और कहे खुदा गवाह रहना, अब तेरी बारगाह में दुश्मनों के मुकाबले में वो जवान जा रहा है कि जो तेरे महबूब की पूरी तस्वीर है, और दुश्मन भी देख के बोले, अल्लाह ने कहा था ना दुश्मन से भी कहलवा के रहूंगा तो वो कहेंगे किसके साथ लड़ रहे हो, ये तो रसूलुल्लाह आ रहा है। अब मैं समझा कि वो हदीस बिल्कुल सही नहीं बल्कि असा है के हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, जैसे हुसैन मुझसे है ऐसे ही मैं हुसैन से हूं। और अजीजों खवास हुसैनिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को वो दिया जो किसी नबी को अता नहीं किया, किसी वसी को अता नहीं किया के किसी। अब देखिए ना कि ये जो आ गया कि हुसैन को सब कुछ अता कर दिया गया, तो सवाल तो बनता है कि जब तक हुसैन सामने हो तो मसला हल होता रहेगा। अब जब हुसैन, हमारा सबका ये नजरिया और अकीदा है कि वो तो करबला में शहीद हो गए और वो फिजिकली अब मदफून हैं करबला मुअल्ला में, तो अब कैसे दस्तरस नहीं है तो कैसे उनसे शिफा ली जाए, उनसे तबर्रुक हासिल किया जाए, उनसे तवस्सुल किया जाए, उनको अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जाए, तो इसके बारे में भी कहीं कोई जवाब है कि नहीं? हाँ मौजूद है ना। हुसैन इब्ने अली अपनी फिजिकल जिंदगी में, हुसैन की इब्तिदा और स्टार्ट ही ऐसे है कि मुझ तक पहुंचने की जल्दी न करो और डायरेक्टली मेरे दरबार में नहीं आओ, भला फरिश्ते ही क्यों ना हो, वहां रुक कर मेरे झूले से मस करो। अब दिया देखा आपने कि फुतरस ने कोई इमाम हुसैन को तो नहीं लगाया ना हाथ, इसलिए कि हुसैन बहुत दूर है, हुसैन बहुत अजीम है, हुसैन बहुत बुलंद है, जिसकी जिसकी कब्र, जिसकी जगह, जिसका घर मुअल्ला हो वो तो इसका फुतरस का सरदार भी इसके नाना को जब लेके गया तो कुछ वक्त के बाद कहने लगा लो दनो तो अनमोला तन लह तरख तो, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब हुजूर ने इरशाद फरमाया तू तो नूर नहीं, नूर कैसे जलता है? तो नूर की जहां पे रसाई ना हो वहां मोहम्मद व आले मोहम्मद की एक्सेस है। और अजीजो हुसैन को सिर्फ हुसैन के मुतालकात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुदरत और पावर अता कर दी है। मुतालकात समझते हैं कि वो जो जो चीज हुसैन से डेडिकेट हो जाए। अब कहीं पे देखा जाता है ये अलम वहां लगा था तबर्रुक के लिए, पूरी दुनिया में वो लेके जाते हैं, ये हुसैन के साथ डेडिकेट हो गया, वहां गया नहीं, ये झंडा इमाम हुसैन के अलमदार का है, यही नियत की मुतबर्रक हो गया, हुसैन का झूला है वो नहीं जिसमें हुसैन आराम फरमाया,
नहीं, हुसैन के बेटे का झूला मैनचेस्टर में बनाएंगे, मुतबर्रिक हो जाएगा। हुसैन बहुत बुलंद है। अजीजान मोहतरम, ये आपको अर्ज कर दूं, ये फितरस का तो वाक्य आपने सुना हुआ। उसी दिन दो और फरिश्ते भी आए, उनका नाम भी बता दूं। एक ने आया तो है लेकिन दूर से हुसैन का वास्ता दिया है, मालिक इस मौलूद का वास्ता मुझे शिफा दे, मेरी गलती माफ फरमा, और उसकी तौबा कबूल हुई। उसका नाम लिखा है तारीख ने दर्दाईल। और एक फरिश्ता और आया है, उसने बदन हुसैन से मस किए हैं अपने पर, उसी झूले में। फुतरस ने क्या किया था, झूले से। और दूसरा फरिश्ता आया है वहां, उसने हुसैन के बदन को मस किया था, और उसका नाम लिखा है सासाईल, स्वाद से और ऐन से। तो ये तीन कैरेक्टर रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि अगर हुसैन तक एक्सेस हो तब भी आपका बेड़ा पार, और अगर कहीं पाबंदी लग जाए और उसकी कब्र तक भी जाना मुमकिन न हो तो दूर से हुसैन पुकारो, हम आपकी दुआ सुनेंगे, और अगर कुछ भी ना हो सके हुसैन के मुतालकात को हमारी बारगाह में वसीला करार दो, फिर भी आपका बेड़ा पार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हक अदा ना हुआ, और ख़सायस हुसैनिया अगर मौका मिले तो फिर इसके लिए जो है वो अशरों के अशरे दरकार हैं। और अभी तो मैं मुकदमे में भी उलझा रहा इंट्रोडक्शन में, तो आज मैं आपसे एक दुआ कराना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि आज के शहीद हज़रत अली अकबर की मैं शहादत पढ़ सकूं, खुदा मुझे वो हौसला दे दे और आप सुन सकें। इसलिए कि तीन किस्म के मसाइब तीन जगहों पे पढ़ना मना है। वो ऐसे हुआ कि आयतुल्ला शुश्तरी ने शहादत अली अकबर पढ़ी थी ज़रीहे मुकद्दस इमाम हुसैन पर, रात को सैयदा ख्वाब में आई और इरशाद फरमाया, जाफर आज के बाद अब मेरे बेटे की कब्र पर अकबर की शहादत नहीं पढ़ना। कहने लगे, मैं हाथ जोड़ के मैंने कहा, बीबी मैंने कोई गलत लफ्ज़ कहा, मैंने कोई मसायब में गुस्ताखी की? तो जवाब आया आकाजादी ने इरशाद फरमाया, नहीं तूने सच बयान किया, पर क्या है, जब से तूने शहादत पढ़ी है मेरा हुसैन जन्नत में भी आराम नहीं कर रहा। बस मसायब हो गया, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपकी ये हाय हाय और आवाजें जो है ना, इन पर रहम फरमाए। मैं कौन होता हूं, आपके छठे इमाम ने आपको दुआ दे दी है, कामिल ज़ियारात में है। आका इरशाद फरमाते हैं, वरहम सरखतल्लती कानत लना, ए अल्लाह ये जो हाय हाय की आवाजें हम आले मोहम्मद के गम में उठती है ना, इन पर तू रहम फरमाया कर। तो आप जानते हैं कि छठे इमाम की दुआ भला रद्द होने वाली है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात मैं बार बार दोहराता हूं आपको याद रखने के लिए कि जब भी आपकी आवाज बुलंद होती है, यकीन मान लीजिए कि कोई ना कोई मासूम आपके गैदरंग में आ चुका होता है, और कोई आए ना आए, वो जो जख्मी पहलू वाली बीबी है ना, वो कैसे मुमकिन है कि उसकी औलाद के
लिए ताजियत का इंतजाम आप करो और वो बखिया में रहे, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अजीजो आज की शहादत बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि ये वो नौजवान है कि जिसको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार इजाजत मांगने के इजाजत न दी, इसलिए कि वो जो स्टेटमेंट है ना हुसैन की, उसको अगर तज्जिया और तहलील किया जाए तो हजरत ने इरशाद फरमाया इतना नहीं सिर्फ, अल्लाहुम्मशहद अला हाउलाइल कौम, ए अल्लाह गवाह रहना इस कौम पर, यानी ये जो मुखालिफ हैं तेरे दीन के, कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बे रसूलिक, अब उनकी तरफ लड़ने के लिए वो जा रहा है, अशबा है शबीह नहीं है, कायनात में सबसे ज्यादा मुशाबे, ये सुपरलेटिव डिग्री है अरबी में, उसे अफल तफजील बोलते हैं हम, तो ये सबसे मुशाबे तरीन है तेरे नबी के। जो स्टेटमेंट है अगली है, कुन्ना इरश्तकना इला जियारत नबी का जुर ना हो, अल्लाह गवाह रहना जब हम आले मोहम्मद को तेरे नबी की जियारत का शौक होता था ना, तो या अल्लाह हम इस अली अकबर की जियारत करते थे। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्ज़हरा, सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको कोई गम नसीब न हो। अजीजो अंदाजा लगाइए ना वो कैसा चांद होगा जिसकी हुसैन जियारत करे, और ये वो बेटा है हुसैन का कि जब पैदा हुआ था ना तो रिवायत कहती है सारा दिन सुबह से लेकर असर तक हुसैन ने 7 करीबी कस्बों में भी तोहफे तहाइफ बांटे थे, ऐलान आम किया था जो भी आए मेरे अकबर की मुबारक देता जाए और मुझसे गिफ्ट लेता जाए। इत्तेफाक की बात, और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा हुआ और कैसे ऐसा हुआ कि शरीकतुल हुसैन बीबी जो हुसैन की बहन है वो आखिर में पहुंची। तो अजीजा ने मोहतरम वो आखिर में जब पहुंची ना तो उस वक्त तक जाहिरन शायद तोहफे तहाइफ खत्म हो चुके होंगे। हुसैन ऐसा है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैंने माफी भी मांग ली है पर रहने वाले नहीं है, कोई बात नहीं ये इनका और वो मेरा, के अजीजो हुसैन इब्ने अली की बहन जब आई है ना अजीजो, तो उस वक्त शायद तोहफे तहाइफ दुनिया वाले खत्म हो चुके होंगे, ये एहतमाल दिया जा सकता है। अब हुसैन ने देखा कि मैं अपनी बहन को मुबारकबादी का जवाब क्या दूं, तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं, अब मेरा आपसे मिन्नत है, उधर देखना बंद करें प्लीज, आप मेरी बात सुने, नामे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के, हुसैन इब्न अली ने अपनी बहन से जब मुबारक पेश की ना, भैया मुबारक हो शबीह पैगंबर की विलादत पर, तो हुसैन ने आसमान को देखा, तहतु सरा तक जमीन को देखा, दाएं भी देखा बाएं भी देखा। अब मेरा जबान हाल है, मेरा ये ख्याल है कि हुसैन को जैनब को देने के लिए इससे मुनासिब तोहफा नजर ना आया। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी और खड़े होकर कहा बहना यहां बैठो ना जरा। जब शरीकत और हुसैन को बिठाया ना तो हुसैन चुपचाप चुपके से खिरामा खिरामा चलते हुए अंदरूनी में तशरीफ ले गए, अंदर से किसी से पूछा भी नहीं, अकबर को उठाया और अपनी बहन की गोद में रखा। बहना
इससे मुनासिब तर तेरे भाई इमाम की निगाह में अब तुझे देने के लिए मेरी निगाह में और कोई मुनासिब शय नहीं है। लेकिन एक वादा करना कि जब मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए रखो मल्लाह बहना, जब मुझे इसकी जरूरत पड़े तो फिर हुसैन को मेहरबानी करके लौटा देना। इसी वजह से वो रिवायत जो है वो अगर बहुत ज्यादा किताबों में नहीं है तो कोई बात नहीं, बहरहाल कुछ में मौजूद है कि जनाबे लैला ने, जो हजरत आली अकबर की अम्मा हैं, वो लिबास उस साइज से जब पैदा हुए उससे लेकर 18 सालों तक वो लिबास तैयार करती रहती थी, लेकिन कभी मौका न मिला। इसलिए कि जो मैंने रिवायत देखी है कि रात को अली अकबर जनाबे उम्मे लैला के साथ और पूरा दिन जनाबे ज़ैनब औलिया के साए में, इसी वजह से ज़ैनब औलिया मकाम करबला में, करबला से लेके कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर मदीना तक कभी अपने नूर नजर औन मोहम्मद को नहीं रोई। जब भी रोई है यबना जहरा और कहा वा अली अकबरा। तो गुजारिश करूं कि वो वक्त गुजरता गया गुजरता गया, 18 साल का कड़ियल जवान जिसको अब कैसे बयान करूं। एक और ब्रैकेट में अर्ज कर दूं कि बाकी सब शहीदों से आखिर में सिवाय अली असगर के आखिरी शहीद हैं अली अकबर। और एक और ब्रैकेट के बाकी जितने जनाजे, 70 जनाजे तो मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाए हैं, इससे पहले भी ये 70 तो मशहूर हैं, आप सुनते रहते हैं ना, लेकिन ये 70 नहीं है, 72 शहीद नहीं है करबला के, इसके अलावा भी शहीद हैं। आप जाइए अभी करबला में, अब ज्यारत के लिए जाएं तो वहां नाम लिखे हुए हैं, वो 132 हैं। और वो ये कि बहुत सारे 50 ऐसे हैं जो पहले जंग से पहले ही हमले में शहीद कर दिए गए थे, हुसैन ने उनके जनाजे भी उठाए हैं। इसलिए जनाबे अली अकबर ने एक अनोखा काम किया है और वो ये कि चलिए उनको छोड़ के शायद दूसरे लोगों ने भी उठवाए हों, इहतिमाल तो दे सकता हूं, लेकिन यह तो मालूम है कि 70 जनाजे सैयद शहदा ने उठाए हैं। अली अकबर इसको थारोली ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे कि मेरा बाबा बहुत थक चुका, सुबह से देख रहा हूं कि हुर के बेटे का खास तौर पर जनाजा जब होर जाने लगा ना तो सीने पे हाथ रखा, कहा होर मेरे नाना की शरीयत में ये इजाजत नहीं है, मना है कि बस आपकी मेहरबानी मसायब हो गया, इससे बड़ा मैं क्या मसायब पढ़ूंगा और आप क्या सुनेंगे। खुदा आपकी, खुदा आप पे, हुसैन राजी हैं आप पर, जनाबे सैयदा अपना रुमाल आपके आंसुओं के लिए तैयार रखती है हमेशा के लिए। अजीजों मैं इससे ज्यादा क्या मसायब पढ़ूंगा। अली अकबर वो मजलूम है, मैंने आपसे कहा ना, मुझसे, मैं आपसे दुआ करवाना चाहता हूं, अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और खुदा करे आप सुन लें। अजीजों करबला के इस शहीद ने अनोखा काम किया, देख रहा था ना कि मेरा बाबा
अच्छा होर को जो कहा था ना सीने पे हाथ रख के, वहां शरी मसला शाजी बताया है कि होर मेरे नाना की शरीयत में जायज नहीं है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का जनाजा उठाए। हाय 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 हाय। और उसी वक्त शाजी उसी वक्त सादात वगैरह सादात उसी वक्त होर का सर भी झुक गया और होर के आंसू भी नथ में और हाय हाय करके कहने लगा फरजंदे जहरा। थोड़ी देर के बाद जब शबीह पैगंबर घोड़े से जमीन पे आएगा ना मैं होगा ना अब्बास होगा ना ना मोहम्मद होंगे, उसका जनाजा भी तू कैसे उठाएगा। अजरकुम अल-ज़हरा, सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको कोई गम नसीब ना हो। मैंने कहा मैं शहादत नहीं पढ़ सकता। अजीजो हुसैन ने भी अनोखा काम किया है, अली अकबर ने भी अनोखा काम किया है। पहले हुसैन ने, और ये जुमले जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो सिर्फ दो या तीन मरतबा तारीख ने नकल किए हैं, जब सब शहीदों को भेज देता था जहरा का बेटा तो कुर्सी पे बैठ जाता था, लेकिन जब अब्बास को भेजा बैठ के तो गया लेकिन उठने में जरा दिक्कत हुई, कालानन का सारा जहरी वखलत ही लती, अब्बास मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब अली अकबर को भेजा ना, रिवायत कहती है हुसैन कुर्सी पे बैठ ना सका। अल्लाह अकबर, हुसैन कुर्सी पे नहीं बैठे। और देखिए मंजर कैसे है, मंजर कशी के बीबियां हैं दरवाजे खैमा के अंदर और उनकी कनीज जनाबे फिजा है दरवाजे के ऊपर और सकीना बिनतुल हुसैन है तल्ले ज़ैनबिया पर, जहां हुसैन इब्ने अली मौजूद है सकीना की नजर है बाबा के चेहरे पर, फिजा की नजर है सकीना पर और बीबियों की निगाह है फिजा पर। और जब अली अकबर को भेजा कुर्सी पे नहीं बैठे, सकीना समझ गई बाबा आराम में नहीं है। अजीजो जाते हुए कहा महलन महलन या अलिया, ये जुमले या खुरूजे मदीना में मिलते हैं महलन महलन या अलिया। अब मैं इसका तर्जमा क्या करूं, ए खुदा के वास्ते अली अकबर एक मर्तबा रुक जा। एक मर्तबा नहीं सादात, कई मर्तबा रोका आपने बेटे को। अब अली अकबर ने वो जुमला कहा जो जाकिरीन से सुनते हो ना कि बाबा क्या हुआ मुझे जाने भी दो, बहुत देर हो रही है, बाकी किसी शहीद से ऐसा सलूक नहीं किया तो मेरे हुसैन के आंसू भी निकल आए और देखकर सर से लेके पांव तक देखा, कहा बाकी कोई शहीद भी तो ऐसा नहीं था, कहा के काश अली अकबर तू मुझ जैसा बूढ़ा होता और तेरा तो जैसा जवान होता और तू मैदान में भेजता, फिर मैं देखता तेरा हौसला कैसा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल-ज़हरा, सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको कोई गम नसीब ना हो। मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। अजीजो ये काम किया हुसैन इब्ने अली ने, दौड़ते जाते थे और फिर कहा कि अली अकबर अब तंग आ गए हो ना, बहुत जल्दी है जाने की, लेकिन हुसैन की एक दरख्वास्त सुनते जाओ, जब तक मुमकिन हो उतने तक मुंह मोड़ के अपने बाबा को दिखाते जाना। अब सकीना की रिवायत कहती है जब तक अकबर का घोड़ा सामने नजर आ रहा था, घोड़े का मुंह उधर था सवार का मुंह पीछे था, कहीं बाबे को बाबा को दौड़ते हुए नजर आते थे, बाबा दौड़ता हुआ पीछे भागता हुआ नजर आता था और कहते थे मेरे बाबा थके हुए बाबा आराम करो, और जब अली अकबर शबीह पैगंबर
پیغمبر قاتلین و دشمنان کے بادلوں میں گھر گیا, حسین اپنے علی کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا, دوڑ کے آئے خیموں کے اندر اور رباب کو اور جناب لیلا کو کہا ماں کی دعا باب باب جگی جا حق میں جلدی قبول ہوتی ہے, میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. مصلیٰ بچھایا زہرا کی بہو نے اور یہ دعا کی پردہ ہٹایا اور کہا یا رب دا یوسف الہ یعقوب ردنی بنایا الہیہ, اے یعقوب کو یوسف ملانے والے ایک مرتبہ اکبر کو بلا دے. روایت کہتی ہے اکبر کی ماں نے دعا کی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ اکبر ملا دے. کیا دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ روایت کہتی ہے قبول ہوئی. حسین کا بیٹا آیا اور کہا بابا, یہ جملہ حسین کے جگر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا, بابا ان العطش قد قتلنی وثقل الحديد قد اجهدنی, بابا یہ تمازت اور یہ قاتل گرمی نے میری زرہ کو بھی گرم کر دیا ہے, تیرے یہ پھول جیسے نازک بیٹے کا بدن جل رہا ہے اور پیاس نے تو مجھے قتل کر دیا ہے. حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ دخل لسانہ فی فمہ, کہ میرے مولا نے اپنی جلدی اپنی زبان اکبر کے منہ میں ڈال دی. یہی بتانا چاہتے تھے کہ اکبر تو وہ ہے, یاد ہے نا ایک مرتبہ انگوروں کا موسم نہیں تھا, میں نے پوچھا تھا اکبر کوئی تیرے دل کی خواہش, تو نے کہا بابا انگور کھانے کی تمنا ہے, تو میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت سے انگور تیرے لیے منگوائے تھے, پر کیا کروں اکبر تیرا بابا مدینہ سے بہت دور اور تیرا بابا اس جنگل میں بڑا مجبور, اور میرے اکبر نے کہا حلیلا شربتن میں الماء سبیل, بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں شامیوں کو شام دکھا دیتا, کوفیوں کو کوفہ پہنچا دیتا. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منہ میں زبان رکھی جلدی سے اکبر نے منہ سے زبان نکالی اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. پھر مولا نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہا بیٹا یہ منہ میں رکھو اور جاؤ نانا آپ کے لیے کوثر کا جام اٹھائے کھڑے ہیں. عزیزان محترم روایت کہتی ہے جب علی اکبر دوبارہ گئے تو کیا وہ کام جو انوکھا علی اکبر نے کیا وہ بتا کر آپ کی زحمت کو ختم کروں. عزیزو روایت کہتی ہے جب علی اکبر نے 200 سے زیادہ قاتلین کو پھر نار و سکر کیا, جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب کوئی نہیں رہا میرا تھکا ہوا بابا میرا مجبور بابا جو سارا دن جنازے اٹھاتا رہا, جتنا ہو سکے میں بابا کے دشمنوں کو ختم کر دوں. لیکن کتنا لڑتا علی کا پوتا, آخر میں جب زینے ذوالجناح سے زمین کی طرف ڈھلنا شروع کیا نا تو عزیزو وہ انوکھا کام جو علی اکبر نے کیا ہے وہ بتاؤں, وہ یہ کہ سارے شہیدوں نے سیدھا سلام کیا تھا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ آپ پر ہمارا سلام ہو. ایک واحد شہید ہے جس نے الٹا سلام کیا ہے, علیکم انی سلام اللہ, اے بابا میری طرف سے آپ پر سلام ہو. اس کا بہت سارے بزرگان نے جواب دیا ہے لیکن فقہا سے جب یہ پوچھا گیا کہ اے آیت اللہ علی اکبر نے یہ جملہ الٹا کیوں کہا, سنو گے کیا جواب ہوا, تو فرمانے لگے کہ دیکھیے علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا تھک چکا ہے ٹوٹ چکا ہے سارا دن جنازے اٹھاتا رہا ہے, معلوم نہیں میرا بابا میرے سلام کا جواب بھی دے سکے گا یا نہیں,
अगर सीधा सलाम किया जाए तो उसका जवाब देना वाजिब होता है, अगर उल्टा सलाम किया जाए तो उसका जवाब साकित हो जाता है। हाय हुसैन तेरी मजलूमियत, लेकिन जवाब तो दिया हुसैन, उकाब शिकारी की तरह अपने बेटे की लाश पे आए हैं और इतने तक अली अकबर का सर अपनी गोद में रख कर मेरे मौला ने अपने बेटे से जो गुफ्तगू की है वो अजीब व गरीब है। अलग दुनिया बाद अकल अफा, ऐ मेरे बेटे, इमाम ने बद्दुआ भी की है, कतल अल्लाह कौमन कतलूक, ए मेरे बेटे जिन्होंने तुझे कत्ल किया है खुदा उनकी नस्लें बर्बाद करे। और अजीजो एक वक्त वो भी आया कि देखो मेरे बेटे शबीह पैगंबर अब कैसा फील कर रहे हो, नाना तो नजर आ रहे होंगे ना। अली अकबर ने जो जाते हुए जो बात कही है ना वो दुखी है, हुसैन के जिगर को चीर गई, लेकिन हुसैन वो है जिसके कदम डगमगाते नहीं हैं। और इस रिवायत में मौजूद है कि सारे अंबिया आके देखते रह गए, 1,24,000 अंबिया करबला में मौजूद हैं। और जहरा के बेटे ने बेटे से जब गुफ्तगू शुरू की ना तो अकबर ने कहा बाबा कातिल ने जो मेरे सीने में बर्छी मारी ना, तो एक जुमला कह के गया था उसने, मेरे मौला कहते हैं अकबर जल्दी बताओ उसने क्या कहा था, तो अकबर की आवाज आई बाबा उसने कहा था मैंने सुन रखा है हुसैन बहुत साबिर है। अच्छा और क्या कहा था, तो कहा जाते जाते उसने ये अनी तोड़ दी थी और कह गया था अब मैं देखूंगा हुसैन कितना साबिर है, कैसे अपने बेटे के कलेजे से ये टूटी हुई अनी निकालेगा। तो मजलूम करबला कहते हैं माफी माफी जाता हूं, मैं सब मोमिनीन से माफी चाहने के बाद कहूंगा, हुसैन इब्ने अली ने या अली कहा और अपनी कमर पे हाथ रखा और कहा अकबर थोड़ी सी मदद तू कर, मैं अब दिखाना चाहता हूं दादा आदम से लेकर नाना मोहम्मद तक सारे आए हुए हैं, अब मैं बाबा इब्राहिम को बताना चाहता हूं कि वफदैना हो बिज़बिन अज़ीम क्यों मना। मेरे हुसैन कहते हैं अकबर जब आनी में हाथ डाला अकबर की बॉडी हिली, करबला की जमीन में जलजला आया और खेमों से कोहराम बपा हुआ। अजीजों ये रिवायत भी मौजूद कि बीबियां कोई बाहर नहीं आई, लेकिन ये रिवायत भी मैंने पढ़ रखी है कि जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम अली अकबर के जनाजे पे आई, उसकी गवाही जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उस हदीस में मौजूद कि मौला हमें बताइए कि एक सफेद बुर्के वाली बीबी भी हमने देखी करबला के मैदान में और एक सुर्ख बुर्के वाली बीबी भी हमने देखी, तो इरशाद फरमाया वो मेरी बुब्बी ज़ैनब थी, अरे जाते हुए सफेद थी लेकिन हाय अली अकबर के सीने की फवारे की खून की वो धारे। अब हुसैन ने मुझे ये यकीन है कि आप थक चुके हैं, लेकिन एक दो मिनट की और जहमत। अजीजो हुसैन ने कहा अकबर अकबर थोड़ी मदद तू कर, थोड़ी हिम्मत मैं करता हूं और फिर मेरा जाने का भी टाइम आ गया है, मैं माफी चाहूंगा। हुसैन ने जो तस्वीर पेश की है करबला की, अपने या अली कहकर अपना दायां जानू रखा अपने बेटे के सीने पर और अपने बाबा जनाबे आदम से लेकर जनाबे पैगंबर तक सब अंबिया को पुकारा और या अली मदद कह के जब निकाली बर्छी तो बर्छी के साथ उस जवान का कलेजा और खून का फवारा। अब हुसैन में ताकत न रही, हुसैन में इतनी सकत न रही कि जनाजे को उठा के ले जा।
इशारा किया या तूफान बनी हाशिम अलुमु अलुमु ऐ बनी हाशिम के बच्चों आपने थके हुए इमाम की मदद करो, मुझसे अकबर का जनाजा नहीं उठाया जाता। मातम है हुसैन मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, शाह कला दे दा रह गया है, शाह कला दे दा रह गया है, मेढा अकबर जीन तू सब कायम करके बिस्मिल्लाह। मेढा अकबर जीन तू लह गया है, 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 अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, ओ शाह कला दे दार रह गया है, शाह कला दे दार रह गया है, मेढा अकबर जीन तू मेढा अकबर जीन तू लह गया है, 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 ओ मेढा अकबर जीन तू लह गया है, 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 अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, ओ शाह कला दे दार रह गया है, शाह कला दे दार रह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, अकबर जीन तू लह गया है, मेढा 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 अकबर जीन तू लह गया है, अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, मेढा अकबर जीन तू लह गया है, वो शाह कला दे दार रह गया है, शाह कला दे दार रह गया है, ओ
मेडा अकबर जीन तो लह गया है, ओ मेडा अकबर जीन तो लह गया है, मेडा अकबर जीन तो लह गया है, मेढा अकबर जीन तो लह गया है, मेढा अकबर जीन तो लह गया है, अकबर जीन तो लह गया है, मेढा अकबर जीन तो लह गया है, मेढा अकबर जीन तो लह गया है, मेढा अकबर जीन तो लह गया है, शाह उठदा बांदा आया है, शाह उठदा बांदा पुत्र जवान को चाया है, पुत्र जवान को चाया है, वो इंदे साहब गिणदा रह गया है, इंदे साहब गिणदा रह गया है, ओ मेडा अकबर जीन तो लह गया है, 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 हाय सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता हाय सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, नाल सुता बनरा तवज्जो नियाज़ी मौला हाय सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, हाय के जवानी है लुटे, के जवानी है लुटे, माँ को डसेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, हाय हाय सेहरिया नाल सुता सिरबो सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, हाय हाय सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, जवानी है लुटे, के जवानी है लुटे, माँ को डसेंदा क्यों ने, नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, हाय सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, एक दफा खोल अखी देख मैं दो चल अकबर, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, जियो जियो बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने, सेहरिया नाल
सुता बनरा लेंदा क्यों ने हाय सेरे आनाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने सेरे आनाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने हाय के जवानी है लुटी जवानी है लुटे माँ को डसेंदा क्यों ने मेहंदी की में उमतिया लई वे कता से है ते को हर सोने हथ लाल मैडा सोने हथ लाल मैडा उसी ने तू चंदा सुता बनरा लेंदा क्यों ने सहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने सहरिया नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने वो तस्वीर मोहम्मद अरबी दी ते यक लख्त बुराक तुले पई लगी जरब शदीद नफीस जिगर ते रत चश्मो बन के वै वो माँ अकबर दी वैन की दा क्यों सुगरा वतन तेरे मौत ने हमला हाय वो वेले वो जदा मस अकबर दिल गई ते कुछ चुप देख तड़े बाबे दी पग ढल गई ते कुछ चुप देख तड़े बाबे दी पग ढल गई हाय हाय उजड़े प्यो का सुता बन रहा नाल सुता बन रहा लेंदा क्यों ने बनरा लेंदा क्यों ने सेरे नाल सुता बनरा लेंदा क्यों ने है देखता से है ते को मेहंदी की में
ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਓ ਜਿਓ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਹਾ ਤੁਲਹਨਾ ਕਦਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਹਾ ਤੁਲਹਨਾ ਕਦਡਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਹਲਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਗਈ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਕੁਰਵਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਈ ਤੀਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਘਰ ਵਤਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹੇ ਅਖੇ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨੂਏ ਘਰ ਵਤਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹੇ ਅਖੇ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨੂਏ ਉਹ ਆ ਵਿਛੜੀ ਵੇਖਣ ਆ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਆ ਤੋ ਵੀ ਆ ਕਰਵਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਹ ਤਰਫ ਕਲਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਏ ਦਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯੇ ਦਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯੇ ਦਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯੇ ਦਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਸਭ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਯੇ ਦਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯੇ ਦਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹਏ
ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया जान जाए, जाती है जान जाए लेकिन न सर झुकाना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, है जाती है जान जाए, जाती है जान जाए लेकिन सर झुकाना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा, जियो जियो, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, है जाती है जान जाए, लेकिन न सर झुकाना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, सिबत नबी का मातम क्यों लोग रोकते हैं, जैसा है खोबदल वैसे ही बोलते हैं, कातिल तो मिट चुका है, कातिल तो मिट चुका है, है दुश्मन है क्यों जमाना, दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, है ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, है जाती है जान जाए, जाती है जान जाए लेकिन न सर झुकाना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, सिबत नबी का मातम क्यों लोग रोकते हैं, जैसा है खोबदल में वैसे ही बोलते हैं, है कातिल तो मिट चुका है, कातिल तो मिट चुका है, दुश्मन है क्यों जमाना, ये दर्द दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्द दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, है ये दर्स दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर्स दे गया है, आख
आखिरी मिसरा और इसके बाद दुआ इंशाल्लाह फिर अज़ादारी होगी। ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, ऐ चाहती है जान जाए जान जाए लेकिन न सर झुकाना। से पूछे दुश्मन सैयद का था बहाना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना, ये दर से दे गया सैयदा तेरा घराना, ये दर से दे गया है सैयदा तेरा घराना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। ऐ मैं हूँ मुश्किल में, मैं हूँ मुश्किल में, मुझे पास बुला लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में, मैं हूँ मुश्किल में, मुझे पास बुला लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा। भागते ऊंट से बाबा मैं कई बार गिरी, दूर बिची ने मेरे दे को मेरी पोशाक जली, मुझको जिंदा के अंधेरों से निकालो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। सब पढ़ना में मौला से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में,
मैं हूँ मुश्किल में, मुझे पास बुला लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना लो बाबा। शिमर से मांगू जो पानी तो झिरक देता है, फिर मेरे सामने मट्टी पे गिरा देता है, भेज के गाजी को, भेज के गाजी को दो रूट मंगा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को चुरा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को चुरा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को चुरा लो जय ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन व इब्ना सय्यदुल वसीयीन, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا کامی الکفر والطغیان السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. مومنین ابھی یہاں پہ جو ہے شب عاشور کے مختصر سے اعمال ہیں وہ کروائے جائیں گے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی نے وضو کرنا ہے تو آپ وضو کر کے تشریف لے آئیں, کچھ دیر کے اندر اندر یہ اعمال شروع ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. رات کو بھی 12:30 بجے محبان المہدی کی طرف سے یہاں پہ انگلش مجلس کا ارینجمنٹ کیا گیا جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے, جس میں سلام اور مرثیہ شروع میں اردو میں پڑھا جائے گا, پھر اس کے بعد انگلش میں شیخ شبر مہدی مصائب پڑھیں گے, جس کے بعد انگلش اردو عربی اور فارسی میں نواخوانی بھی کی جائے گی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے اعمال کرنے ہیں وہ پلیز وضو کر کے یہاں پہ تشریف لے آئیں.